देखिए आज जो हर्ब्स वाला सैलेड खिला रही हूँ ना आपको, क्योंकि अब हमारा ये चैनल जो है कमाना खाना ये डाइट चैनल हो गया है और आपकी तबीयत ठीक करना ही हमारा धर्म है। तो ये हर्ब वाला सैलेड जिसमें ये सामग्री लगेगी, एक एक करके मैं बताती हूँ क्या क्या सामग्री लगेगी, लेकिन ये टोटलिटी में ये सामग्री है। चलिए नजदीक जाकर हम देखेंगे क्या सामग्री है। तो ये है गाजर जो मैंने छील ली है अच्छे से, और ये गाजर की मैंने एक ही गाजर ली थी क्योंकि हम दो ही जनों का सैलेड है ये। ये हल्दी है जो बॉम्बे में मिलती है, अमूमन ये मैंने नॉर्थ में नहीं देखी है। हल्दी कच्ची हल्दी है, अरे गुजराती लोग अपने खाने में बहुत यूज करते हैं इसको, बट ये कच्ची हल्दी के इसके टुकड़े मैं ले लूंगी। जैसे कि गाजर खून बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गाजर से आपको विटामिन ए भी मिलता है और कई सारी ऐसी पोषक तत्व मिलते हैं जिससे आपका पेट में भी ये पाचन क्रियाओं को अच्छा रखता है। इसके अलावा भी गाजर का जूस भी पीते हैं सर्दियों में आंखों को ठीक करने के लिए। ब्लड को प्यूरिफाई करती है ये हल्दी, ब्लड को थिन बनाता है, मतलब आपको अगर कोलेस्ट्रोल हो तो कोलेस्ट्रोल के लिए। ये लहसुन के टुकड़े मैंने ले लिए हैं और ये मैंने अदरक के टुकड़े ले लिए हैं। और हार्ट के लिए जैसे लहसुन बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए अदरक बहुत अच्छा होता है, गले के लिए, किसी भी तरह के अपच के लिए, गला खराब हो तो भी ये यूज में लाते हैं इसको। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये तुलसी के पत्ते हैं। देखिए बड़ी मजेदार बात है, रोज मैं सबको बोलती हूँ अपने भाषण में सुबह ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में कि तुलसी के पत्ते खाया करें, ये बुध का भी इलाज है और साथ साथ ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। और एंटीबायोटिक की तरह काम करने के बावजूद ये पेट के कीटाणु मारती है, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाती है, तो बहुत सारे इसके गुण हैं। और ये पुदीना है जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा है, मैंने इसका वीडियो दिया था आपको। और पुदीने के पत्ते आप देखिए, करीब से देखिए कि ये आपका पच और कई सारी समस्याओं में काम आते हैं। और ये है टमाटर जिसके गुण मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। टमाटर कहते हैं कैंसर से तक बचाता है। अब ये है सलाद पत्ता, इसको बकरी की तरह खा जाना है, बिकॉज ये सैलेड पत्ता जो है ये आपके पेट के हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। हरी सब्जी के सारे गुण है इसमें, ककड़ी है, चुकंदर खीरा कहते हैं जिसे, और ये खीरा जो है इससे आपकी नमी बहनी बनी रहती है, त्वचा में एस्ट्रोजेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये माहवारी बंद होने के बाद खीरा खाओ, मुंह पे लगाओ तो जवानी बनी रहती है। इसके अलावा प्याज है, तो प्याज के भी गुण मैं आपको चैनल पे बता चुकी हूँ, बहुत अच्छी चीज है हेल्थ के लिए। ये चुकंदर है, तो चुकंदर आपका ब्लड को बढ़ाने के लिए, होमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब इसमें जो मसाला डालेंगे वो ये है, जरा नजदीक लाइए कैमरा, यह है चाट मसाला। चाट मसाले में कोई तेल घी नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आपको इससे काफी चटपटा लगेगा सैलेड और मजा आएगा। और ये है काला नमक जो कि हाजमा होता है, आप नॉर्मल नमक डालते हैं उससे अच्छा काला नमक ही डालें। वैसे मैंने नॉर्मल नमक भी दिखाया है कि कभी काला नमक उपलब्ध ना हो। और ये है काली मिर्ची, तो काली मिर्ची पीसी हुई या कूटी हुई तो ये भी आप डाल सकते हैं। और ये है स्वादानुसार नमक जो हम नॉर्मल नमक डालते हैं वो ये है। तो चलिए हम बनाते हैं अपना सलाद, सजाते हैं, बनाना नहीं है इसको कुछ भी, मैं ना इसमें ऑलिव ऑयल डालूंगी, कुछ भी गरिष्ठ नहीं डालूंगी, सिंपल ही रखूंगी इसको। हाँ मैं आपको बताना भूल गई हूं, इसमें नींबू पड़ेगा, एक मिनट। और नींबू से रिलेटेड जितनी खासियत है, अभी नींबू भी मैं ऐड करूंगी इसमें, तो ये नींबू मैंने रख दिया है इसमें। और मजेदार बात आपको बताऊं कि जितनी चीजें हैं ना सैलेड की, ये सबका मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों का पोषक तत्व क्या क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, मैंने पहले भी दिया हुआ है। तो लीजिए तैयार है हमारा सैलेड, कटे हुए प्याज, कटी हुई गाजर, नींबू का टुकड़ा, और ये पुदीने के पत्ते, तुलसी के पत्ते, और ये चुकंदर, और ये हल्दी के टुकड़े, कच्ची हल्दी के टुकड़े, अदरक के टुकड़े, लहसुन के टुकड़े, साथ साथ टमाटर कटा हुआ, खीरा, ककड़ी। और मैं इस पे सैलेड पत्ता बिखेरने से पहले मैं देसी तरीके से इस पे नमक डालूंगी। और नमक डालने के बाद हमेशा याद रखिए कि नमक डालने के बाद में इसको आधा घंटा छोड़ देना चाहिए, तो इसमें अच्छे से रस जाता है नमक, और उसके बाद इसको खाना चाहिए तो इसका और दुगना टेस्ट आता है। इसलिए नमक डाल के हमेशा सैलेड को छोड़ दीजिए। अब मैंने नमक डाल दिया है
इसके साथ अब मैं इसके ऊपर काली मिर्ची डालूंगी, जो कि हाजमा होती है, गले के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी होती है। आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या है कीड़े की जो बच्चों को होती है पेट में, तो उससे भी काली मिर्ची से आपको छुटकारा मिलता है। तो ये सब मैंने काली मिर्ची इस पर डाल दिया। अब खाली टेस्ट के लिए चाट मसाला, एक दिन मैं आपको चाट मसाला बना के दिखाऊंगी कैसे बनता है चाट मसाला, लेकिन फिलहाल मैं इसको बाजार से लाई हूं चाट मसाले को, और चाट मसाला मैंने डाला है इसके ऊपर। तो अभी ये लगभग तैयार है। मैंने इसमें नींबू जो है वो निचोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे नींबू सूट नहीं करता है, इसलिए नींबू बाद में मेरी बेटी इसमें निचोड़ के खाएगी। वैसे मैं इसमें ये सैलेड पत्ता बिखेर रही हूँ, समझिए आपके पास सैलेड पत्ता नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं हरी धनिया, और हरी धनिया भी बहुत काम की चीज है। तो लीजिए, रेडी है हमारा सलाद, जो कि हाजमा है, जो कि आपका पेट ठीक रखेगा, आपका दिमाग ठीक रखेगा, आपकी आंखें ठीक रखेगा, आपका ब्लड ठीक रखेगा, हर प्रकार से आपके हार्ट की सुरक्षा करेगा। और कामिनी खन्ना के कमाना खाना में ऐसे ही डाइट फूड है। अगर ये पूरी थाली आप खा लो तो आपको खाना खाने की जरूरत कम पड़ेगी, मतलब ये खाने के बाद आप बहुत थोड़ा सा खाना खाएंगे, पेट फुल होगा और हेल्दी चीजों से फुल होगा, आपका वजन भी घटेगा, आपका पेट ही आपकी त्वचा पर निखार आएगा और आप सुंदर दिखेंगे।